अज दिस वीडियो विच पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड वालों 227 असामिया की भर्ती कढ़ी गई है। इस भर्ती की पूरी डिटेल नू इस वीडियो विच असी डिस्कस करांगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करन तो पहला अगर तुसी इस चैनल दे नवे हो, अजे तक चैनल नू सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहला चैनल नू सबसक्राइब करो। दे नाल बैल आइकन प्रेस करो ताकि हर इनफॉर्मेटिव वीडियो का जो नोटिफिकेशन है थोड़े तक सब तो पहला पहुँच सके। अगर तुहानू वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो में लाइक और शेयर जरूर करना। तो इस नाल ही शुरू करते हैं। पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड वालों 227 असामिया की जिहड़ी भर्ती है डिफरेंट कैटागरी दे विच कढ़ी गई है। डिटेल वाइज डिस्कस करांगे। सब तो पहला असी गल करते हैं जी डिप्टी चीफ अकाउंट ऑफिसर दियां दो पोस्ट हैगे। इसका पे स्केल हैगा 47,600। इसकी क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस है जी बीकॉम होनी चाहिए है, फर्स्ट डिवीजन दे विच प्लस चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोस्ट अकाउंटेंट विद मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस एज सच, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उस तो बाद है कि जिहड़ी मैट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड एग्जामीनेशन ऑफ पंजाबी मैट्रिकुलेशन तक जिहड़ी पंजाबी है वो पास होना बहुत जरूरी है, और नॉलेज ऑफ MS ऑफिस इज़ असेंशियल। सैकेंड पोस्ट है सीनियर अकाउंट ऑफिसर। इस नंबर ऑफ पोस्ट है जी 9। इसका पे स्केल है 47,600। बेसिक क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस है जी बीकॉम फर्स्ट डिवीजन प्लस चार्टर्ड अकाउंटेंट विद 2 ईयर एक्सपीरियंस या बीकॉम फर्स्ट डिवीजन प्लस ICWA विद 2 ईयर एक्सपीरियंस ते मैट्रिक पद्धर तक जिहड़ी थोड़ी पंजाबी है वो पास होनी चाहिए है, और नॉलेज ऑफ MS ऑफिस इज़ असेंशियल। नंबर 3 ते है जी असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। इस नंबर ऑफ पोस्ट है जी 8 है। इसकी बेसिक क्वालिफिकेशन है जी MCOM विद 3 ईयर एक्सपीरियंस या BCOM विद 9 ईयर एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन और रिप्यूटेड बिजनेस हाउस। सेकंड है कि मैट्रिक पद्धर तक जिहड़ी थोड़ी पंजाबी है वो पास होनी चाहिए है, और नैक्सट है नॉलेज ऑफ MS ऑफिस इज़ असेंशियल। कंप्यूटर की जिहड़ी नॉलेज है वो MS ऑफिस की जिहड़ी है जरूरी होनी चाहिए है। नंबर 4 ते है जी असिस्टेंट अकाउंटेंट। इस दियां नंबर ऑफ पोस्ट है जी 62 असिस्टेंट अकाउंटेंट, और इसका पे स्केल है 35,400। इसकी बेसिक क्वालिफिकेशन है BCOM फर्स्ट डिवीजन और शुड है पास्ड एटलीस्ट 120 आर कोर्स विद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन द यूज़ ऑफ परसनल कंप्यूटर या इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। घट्टो घट 120 घंटे का कंप्यूटर का जोड़ा कोर्स है वो होना चाहिए है, और जोड़ा वो इंस्टीट्यूशन है वो ISO 9001 तो सर्टिफाइड होना चाहिए है, या शुड हैव कंप्यूटर इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्स इक्वलेंट टू ओ लैवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और मैट्रिक तक जी थोड़ी पंजाबी कंपलसरी होनी चाहिए है। नैक्सट है नंबर 5 दे जी असिस्टेंट सेल ऑफिसर। इस दियाँ टोटल पोस्ट है जी 18 और इसका पे स्केल है 35,400। इसकी क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन सैकेंड डिवीजन विद 1 ईयर डिप्लोमा इन मार्केटिंग फ्रॉम रेकोगनाइज यूनिवर्सिटी या MBA विद स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग फ्रॉम रेकोगनाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड शुड है पास्ट मैट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड एग्जामीनेशन ऑफ पंजाबी एज वन ऑफ द कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट। मैट्रिक तक जो थोड़ा पंजाबी है वो क्लीयर होना चाहिए, उस तो बाद नॉलेज ऑफ MS ऑफिस इज असेंशियल। नैक्सट नंबर 6 दे असिस्टेंट फील्ड ऑफिसर। इस दियाँ पोस्ट है जी 67 पोस्ट है, और इसका पे स्केल है 25,500। इसकी बेसिक क्वालिफिकेशन है BSc एग्रीकल्चर सैकेंड डिवीजन, और मैट्रिक तक जो थोड़ी पंजाबी का सब्जेक्ट जोड़ा क्लीयर होना चाहिए, नॉलेज ऑफ MS ऑफिस इज़ असेंशियल। नैक्सट नंबर 7 दे जी सेल्समैन। इस नंबर ऑफ पोस्ट है जी 61
और इसका पे स्केल हैगा जी 19,900, और इसकी क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन सेकेंड क्लास के पास होनी चाहिए है, और मैट्रिक पद्धर तक थोड़ी पंजाबी पास होनी चाहिए है, और नॉलेज ऑफ MS ऑफिस इज एसेंशियल। उस तो बाद है इसका ऑनलाइन प्रोसैस तुम मार्कफेड की जी वैबसाइट है www.markfedpunjab.com से विजिट करके अपना ऑनलाइन जो फॉर्म है वो जो सबमिट कर सकते हो। इस दी अप्लाई करन दी जिहड़ी लास्ट डेट है वह है जी 12 अप्रैल 2021 5 बजे तक इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करन दी। उस तो बाद नैक्सट है जी जिहड़ी कैंडीडेट की क्वालिफिकेशन है जिहड़ा एक्सपीरियंस है वो 12 अप्रैल 2021 तो पहला जिहड़ा उहदा एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन जिहड़ी है क्लीयर होनी चाहिए है। और नैक्सट आ गया जी फीस है, इस फीस स्ट्रक्चर देखिए SC ST एंड फिजिकल हैंडीकैप्ड वास्ते 600 है, और ऑल अदर कैटागरीज वास्ते जी फीस है वो है जी 1200। उस तो बाद जी फीस है तुसी वो अपने नैट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड या किसी होर मोड राही अदा की गई फीस किसी भी कारण अगर असफल हो जाती है तो उस स्थिति विच उम्मीदवार की एप्लीकेशन रद्द समझी जाएगी। और उस तो बाद आ गया जी एज क्राइटेरिया, इस जी कैंडीडेट की एज है वो 18 साल तो लैके 37 साल के बीच होनी चाहिए है। अगर कोई सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट का एम्पलाई है तो उसकी जी एज है वो 45 ईयर तक होनी चाहिए है। नैक्सट है SC ST तो OBC के कैंडीडेट 5 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी एज के, और फिजिकल हैंडीकैप्ट 10 साल दी। उस तो बाद जी इसका सिलैक्शन प्रोसीजर है, सिलैक्शन प्रोसीजर विच की है थोड़ा एक रिटर्न एग्जाम होएगा, और रिटर्न एग्जाम की जड़ी है मेरिट बनेगी, और मेरिट के आधार पर थोड़ी जड़ी है सिलैक्शन होएगी। और देयर विल बी नो इंटरव्यू फॉर एनी अबव द किसी भी पोस्ट वास्ते कोई भी इंटरव्यू जड़ा कंडक्ट नहीं किया जाएगा। मोड ऑफ जो रिटर्न टेस्ट है इंग्लिश एक्सपेक्ट फॉर पंजाबी लैंग्वेज सैक्शन च होएगा। मेरिट लिस्ट प्रपेड ऑल कैटागरी शैल बी वैलिड फॉर 1 ईयर फॉर द रिक्रूटमेंट इन द मार्कफेड। उस तो बाद नीचे आ गया जी जो रिटर्न टेस्ट होना है वह होएगा साढ़े को जी 100 नंबर का रिटर्न टेस्ट होएगा, जिस दे विच लैंग्वेज प्रोफिशेंसी 10 क्वेश्चन होंगे पंजाबी दे, 10 क्वेश्चन इंग्लिश दे, टोटल 20 नंबर। जनरल नॉलेज से करंट अफेयर 10 नंबर दी, मैथमेटिकल स्किल मैट्रिक लैवल दी 10, मैंटल एबिलिटी 10 नंबर दी, कंप्यूटर बेसिक 10 नंबर ते एज पर प्रसक्राइब क्वालिफिकेशन दे अकॉर्डिंग थोड़ा 40 नंबर दा पेपर वो होएगा। टोटल थोड़ा पेपर बनेगा जी 100 नंबर दा। नैक्सट है तो नैक्सट है थोड़े को जनरल अवेयरेंस पंजाबी हिस्ट्री कल्चर जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर दे 30 क्वेश्चन होंगे, मेंटल एबिलिटी रीजनिंग मैथमेटिकल स्किल दे 25 क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर बेसिक क्वेश्चन 15 नंबर दे, और पंजाबी और इंग्लिश लैंग्वेज दे 30 क्वेश्चन होंगे। और इस जो क्वालीफाई मार्क्स है होंगे जी 40% क्वालीफाई मार्क्स होंगे 40%, और नेगेटिव मार्किंग भी होएगी। उस तो बाद है इसका जो ऑनलाइन प्रोसैस है वो स्टार्ट होएगा जी 22 मार्च 2021 11 बजे तो बाद तुसी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर द एप्लीकेशन होएगी 12 अप्रैल शाम 5 बजे तक, और फीस जमा कराने की जी डेट है होएगी 16 अप्रैल 2021। तो इसका जोड़ा रिटर्न एग्जाम है उसकी जी डेट है वो वैबसाइट पर अपलोड की जाएगी। इस तो बाद है कैटागरी की रिजर्वेशन है, जिमें कि फस्ट ही साढ़े को डिप्टी चीफ अकाउंट ऑफिसर दियाँ 2 पोस्टा हैं, जिद जनरल की 1 है तो SC ME&B की 1 पोस्ट है। उस तो बाद नंबर 2 साढ़े को जी सीनियर अकाउंट ऑफिसर दियाँ 9 पोस्टा, और जनरल विच 3 है,
रिजर्व फॉर वोमेन वास्ते एक है, एस सी एम एंड बी वास्ते एक वोमेन वास्ते है, और एस सी आर एंड ओ एक है, बी सी वास्ते एक है, ई एस एम एक है, ई डब्ल्यू एस एक है, स्पोर्ट्स एक है। नेक्स्ट सी नंबर तीन थे, नंबर तीन से असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर दियाँ आठ पोस्ट हैं, और जनरल कैटेगरी दी चार पोस्ट हैं। रिजर्व फॉर वूमेन वास्ते एक है, एस सी एम एंड बी वास्ते एक है, एस सी आर ओ वास्ते एक है, बी सी वास्ते एक है, वूमेन रिजर्व वूमेन वास्ते एक है, ई एस एम वास्ते एक है, और रिजर्व फॉर वूमेन वास्ते भी एक है। और नेक्स्ट नंबर चार दे सी साडे को पोस्ट जी असिस्टेंट अकाउंटेंट, इस दी टोटल पोस्ट है जी 62, और जनरल कैटेगरी दी है जी 24। रिजर्व फॉर वूमेन वास्ते 7 है, एस सी एम एंड बी दी 7 है, रिजर्व फॉर वूमेन 3 है, एस सी आर एंड ओ 6 है, रिजर्व फॉर वूमेन दी 2 है, बी सी 5 है, रिजर्व फॉर वूमेन दी 2 है, ई एस एम दी जनरल दी 4 है, एस सी दी 2 है, बी सी दी 2 है, और रिजर्व फॉर वूमेन फिजिकल हैंडीकैप्ड दी 3 है, ई डब्ल्यू एस दी 7 है, 3 रिजर्व फॉर वूमेन स्पोर्ट्स परसन दी 2 है, और एक रिजर्व फॉर वूमेन है। नैक्सट साढ़े को नंबर 5 दे है जी असिस्टेंट सेल ऑफिसर दी 18 पोस्ट हैं, जिदे भी तुसी देख रहे हो कि जनरल दी 7 है, रिजर्व फॉर वूमेन दी 2 है, एस सी एम एंड बी दी 3 है, एक है एस सी आर ओ दी 2 है, बी सी 2, 1 फॉर रिजर्व वूमेन, ई एस एम दी 1 है, रिजर्व फॉर वूमेन दी भी 1 है, फिजिकल हैंडीकैप्ड दी 1 है, रिजर्व फॉर वूमेन दी भी 1 है, ई डब्ल्यू एस दी 2 पोस्ट हैं। उस तो बाद नंबर 6 दे सी साढ़े को जी असिस्टेंट फील्ड ऑफिसर दियाँ टोटल असामियाँ सी 67, 67 असामियाँ, जिदे विच जनरल दियाँ 12, रिजर्व फॉर वूमेन वास्ते 4 है, एस सी एम एंड बी दियाँ 10 है, रिजर्व फॉर वूमेन वास्ते 4 है, एस सी आर ओ आर एंड ओ दियाँ 10 है, रिजर्व फॉर वूमेन दियाँ 3 है, बी सी दियाँ 8 है, रिजर्व फॉर वूमेन दियाँ 3 है। उस तो बाद ई एस एम जनरल दियाँ 9 है, एस सी दियाँ 4 है, बी सी दियाँ 2 है, रिजर्व फॉर वूमेन दियाँ जनरल दे विच 3 सीटें हैं, ई डब्ल्यू एस दियाँ 7 है, रिजर्व फॉर वूमेन दियाँ 2 है। उस तो बाद है फ्रीडम फाइटर दी 1 है, स्पोर्ट्स परसन दी 1 है। उस तो बाद साढ़े को लास्ट सी नंबर 7 दे सेल्समैन, इस दियाँ टोटल वैकेंसियाँ सी 61, तो जनरल कैटेगरी दियाँ 24 है, रिजर्व फॉर वूमेन वास्ते 7 है, एस सी एम एंड बी दियाँ 7 है, तो 4 है रिजर्व फॉर वूमेन, एस सी आर एंड ओ दियाँ 6 है, रिजर्व फॉर वूमेन वास्ते 2 है, बी सी दियाँ 6 है, रिजर्व फॉर वूमेन वास्ते 2 है, ई एस एम दे विच एक जनरल दियाँ 5 है, जिस दे विच रिजर्व फॉर वूमेन वास्ते 3 है, एस सी 2, ई एस एम ते बी सी ई एस एम दी 1 पोस्ट है, फिजिकल हैंडीकैप दियाँ 2 है, एंड रिजर्व फॉर वूमेन वास्ते 1 है, ई डब्ल्यू एस जनरल 6 है, रिजर्व फॉर वूमेन दियाँ 2 है, स्पोर्ट्स परसन जनरल दी 1 है, एस सी दी 1 है, और रिजर्व फॉर वूमेन वास्ते पोस्ट जी है 1 है। तो फ्रेंड्स अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी है वीडियो लाइक और शेयर जरूर करना, और इस तरह की अपडेट पाने वास्ते चैनल सबसक्राइब करना। धन्यवाद।